31 जुलाई 2024 के झटके से अब तक नहीं उबरे गाजा के हमास समूह ने आखिरकार अपने नए कमांडर के नाम का ऐलान कर दिया। इसराइल जिसे खान यूनिस का कसाई बताता है, हमास ने उसे ही अपने पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ बना लिया है। जी हाँ, हमास ने गाजा में अपने टॉप कमांडर याह्या सिनवार को नेता चुना है। हमास ने बयान जारी कर बताया कि सिनवार नए चीफ के तौर पर इस्माइल हानिये की जगह लेगा। याह्या को ही इसराइल पर हमले की शुरुआत का मास्टरमाइंड माना जाता है। ऐसा दावा है कि हमास लड़ाकों ने सिनवार के नेतृत्व में ही पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों की बौछार कर दी थी। हानिये के उलट सिनवार शुरू से ही गाजा में रहता आ रहा है। साल 2017 में जब उसे हमास नेता के रूप में पहचान मिली, तब से वह किसी के सामने नहीं आया है। सिनवार हमास संगठन के अंदर एक मजबूत और कठोर नेता के रूप में जाना जाता है। सिनवार ने अपनी आधी उम्र इसराइल की जेल में बिताई है, जहां से सिनवार इसराइल का कट्टर विरोधी बनकर उभरा। सिनवार को निर्मम हत्याएं करने के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। साल 2014 में सिनवार को मृत घोषित किया गया था, मगर कुछ समय बाद ये एक अफवाह निकली। साल 2015 में अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है। बता दें कि युद्ध की शुरुआत से इसराइल सिनवार को मारने की कोशिश में है, मगर इन सारे जद्दोजहद को नाकाम करते हुए वो गाजा में बना हुआ है। सिनवार को हमास की कमान ऐसे समय में मिली है जब ईरान हानिये की हत्या का बदला लेने के लिए इसराइल पर संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने इसराइल को हानिये की हत्या का कसूरवार ठहराते हुए बदला लेने की कसम खाई है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में सिनवार का पॉलिटिकल चीफ के रूप में स्वागत गाजा में रॉकेटों के ताबड़तोड़ हमलों के साथ हुआ। आइए जान लेते हैं हमास के नए पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ की अनसुनी बातें। सिनवार हानिये की हत्या के बाद जिंदा बचा सबसे शक्तिशाली हमास नेता है। लोग इसे अबू इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। साल 1962 में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के शरणार्थी शिविर में इनका जन्म हुआ था। सिनवार के पास गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी स्टडी में ग्रेजुएशन की डिग्री है। साल 2017 में उसे गाजा में हमास का नेता चुना गया था। फिलिस्तीनियों के बीच सिनवार की छवि एक क्रूर लीडर और इसराइल के कट्टर दुश्मन के रूप में थी। सिनवार को गाजा का लादेन भी कहा जाता है। आईडीएस में सिनवार को शैतान और चलता फिरता मृत घोषित किया था। इन सब के बीच इसराइल ने याह्या सिनवार को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी दी है। इसराइली विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने कहा है, इस्माइल हानिये की जगह हमास के नए नेता के रूप में कट्टर आतंकवादी याह्या सिनवार की नियुक्ति उसे तेजी से खत्म करने और इस विभत्स संगठन को धरती से मिटाने का एक और अनिवार्य कार्य है। ऐसे में ये नियुक्ति इसराइल के लिए हमास को उसके दुश्मन के रूप में फिर से स्थापित करती है। माना जा रहा है कि इस कदम से इजरायली पीएम अपने अभियान को आगे तक जारी रख सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिन गाजा और मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।